आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिक्चर लुकअप। तो लास्ट क्लासेस में हमने वी लुकअप और पिक्चर लुकअप को कंपेयर किया था और बताया था किस तरीके से हम एक अगर पिक्चर्स को लुकअप करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, उसकी एक एग्जांपल बताई थी। हो सकता है आपको समझ में आया हो सकता है समझ में ना आया हो। तो निकिता जी, आज हम पिक्चर लुकअप की दूसरी पार्ट को लुकअप करने जा रहे हैं। तो सो मेरे पास एक डेटा है, मेरे पास डेटा है, इसमें मेरे पास एक सेल्स की समरी है जो कि नेम वाइज है और दूसरी सेल्स की समरी है जो कि हमारी मंथ वाइज है। तो एक ही डेटा में दो समरी हमने पिवट टेबल या किसी और मेथड से निकाला हुआ है। मैंने इसको कैसे निकाला ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि मैं इसको अपने समरी सीट पे विजुअल करना चाहता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि समरी सीट पे मैं इसको विजुअल करना चाहता हूँ तो मैं दोनों रिपोर्ट नहीं चाहता, मैं एक रिपोर्ट चाहता हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि पर्सन चॉइस करे कि उसको एक रिपोर्ट चाहिए या उसको दो रिपोर्ट चाहिए, मैं कौन सी रिपोर्ट चाहिए। मतलब कि वो यहाँ पे लिखेगा सेलेक्ट, और मैंने डेटा इसमें डेटा मेनू बार में गया और डेटा वैलिडेशन, यहाँ आपको दिख रहा होगा डेटा वैलिडेशन में हमने लिस्ट के अंदर दे दिया कि भी आप इसको नेम वाइज या फिर मंथ वाइज चाहते हैं। आदिनामा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पे मेरे पास नेम है, तो अब देख लीजिए दिलजी, मैं शुरू से बताता हूँ कि मैं करना क्या। बेसिकली हम पिक्चर लुकअप को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने एक ही टॉपिक किया था, आज उसकी दूसरी टॉपिक कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो मेरे पास दो समरी है, पहली समरी है जो कि सेल्स नेम वाइज है, दूसरी समरी है जो कि सेल्स हमारी सिटी वाइज है। ओके, सिटी वाइज नहीं मतलब कि मंथ वाइज है। तो मैं चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को जैसे कि कॉपी करके हम लोग पिक्चर लिंक करते हैं ना, यहाँ पे हम यहाँ होम मेनू बार में गए और हमने इसको पिक्चर लिंक कर दिया, पिक्चर लिंक हो गया। बट मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूं नेम तो ये ऑटोमेटिकली नेम बाय हो जाए, अब मैं सिलेक्ट करूं मंथ ऑटोमेटिकली मंथ बाय हो जाए। मतलब कि मेरे समरी में दो या दो से अधिक हमारे पास डेटा समरी इस तरह के डेटा समरी है, मैं इसमें से कोई एक चॉइस करना चाहता हूं लेकिन अकॉर्डिंग द ड्रॉप डाउन। तो प्रॉब्लम क्या है समझ में आ गया अदिल जी, निकिता जी? सबसे पहली बात होती है अपनी प्रॉब्लम को समझना। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई, हम क्या करना चाहते हैं समझ में आ गया? जगन्नाथ जी आपको समझ में आया? हाँ जी, समझ आया ना आपको क्या करना है? हाँ अब चलिए इसको कैसे करते हैं चीज को समझते हैं। सबसे पहले बात कि हम देख रहे हैं, जब हमने क्या किया, अभी हमने एक पिक्चर को सेलेक्ट करके कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर कर दिया। पेस्ट एज ए पिक्चर यहाँ होता है ना, हमने पेज से पिक्चर कर दिया। जब पेज से पिक्चर हुआ तो एक एक एड्रेस के साथ आया, इस एड्रेस को चेंज करूं मतलब कि हमारा क्या है A14 से लेके F F1, तो अगर मैं इसकी एड्रेस को जाऊं और मैंने बोला A14 से ही है, ए इसको करता हूँ A1 से लेके G8। हाँ, हमें यहाँ पे A1 से लेके अगर मैं इसको G8 करूँ तो मेरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, हो गया। लेकिन पहले प्रॉब्लम है कि तो बहुत बड़ा नाम है, इसको तो छोटा हो जाता तो सही रहता ना, जस्ट लाइक मंथ जस्ट लाइक नेम, यहाँ कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे इस एड्रेस को, जो एड्रेस यहाँ पे इतना बड़ा एड्रेस है, उसको छोटा करना है किसमें, नेम और मंथ में, एग्जैक्ट इसी में। तो मैं सीट पे जाता हूँ, यहाँ पे सीट पे जाने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ
और यह बीमार में हमारे पास होता है डिफाइन नेम। मैं इस डिफाइन नेम में जाता हूं और यहां पे इसका नाम दे देता हूं नेम, और इसको दे देता हूं सेम डिफाइन नेम मंथ। ठीक है, आ गया आप लोगों को। तो इस एरिया का हमने स्मॉल नेम दे दिया। अब मैं यहां पे इसकी एड्रेस चेंज कर दूं, मैं इसको कर देता हूं मंथ। तो मंथ का रिपोर्ट आ गया। अगर इस मंथ को मैंने जैन कर दिया तो जैन, इस मंथ को मैंने ये कर दिया जैन नहीं, माफ कीजिएगा, मैं इसको नेम कर दूं, नेम आ जाएगा, नेम वाला डेटा आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इस एरिया को नाम डिफाइन, छोटा नाम डिफाइन कर दिया, नेम से इसको डिफाइन कर दिया है हमने मंथ। मंथ से। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस यहां पे कनेक्टिविटी वो इससे उठा, क्योंकि ऐसा डबल डबल हो जाएगा ना, कि मैं यहां पे सेलेक्ट करूंगा मान लीजिए नेम, या फिर मंथ सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं इसको चार्ट को सेलेक्ट करके इस पे जाके मंथ लिखूंगा, ये तो अलग हो गया ना सर। क्या मैं चाहता हूँ कि ये इससे लिंक हो जाए, मतलब कि इसकी जो एड्रेस है वो इससे लिंक हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि ये मंथ, इस एरिया का मंथ है, इसको एक्सेल रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वो समझेगा जैसे नाम होता है सुजीत, रवि, किशन, ऐसे ही एक टेक्स्ट है। मान लीजिए इसको एक काम करता हूं, मैं सम फॉर्मूला के अंदर में इसको डालता हूं, जीरो आया। लेकिन अगर सम फॉर्मूला के अंदर में मैं इस को डाल, जो मंथ का रेंज है, इस रेंज जो मंथ का रेंज है, तो रिजल्ट हमारे पास नंबर आएगा ना सर। तो ये जो मंथ है बी टू है, तो बी टू की जो वैल्यू है मंथ को, मंथ एज ए रेफरेंस समझा ही नहीं इसने, क्या समझा? मंथ एक टेक्स्ट समझा। इसी को समझाने के लिए हमने इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लिया। इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करेगा, इस मंथ को रेफरेंस वाले मंथ में कन्वर्ट करके सम को देगा और सम आपको रिजल्ट देगा, समझे? तो सेम उसी तरह से यहां पे अगर मैं सिर्फ लिख दूं बी टू, तो ये बी टू को ही लिंक कर देगा, बी टू पे डली हुई मंथ को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या हम इसमें इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगा दें ताकि वो बी टू को मंथ में कन्वर्ट कर देगा? बट यहां पे एक प्रॉब्लम है, कि जो यहां पे हमारा जो पिक्चर लिंक है वो सिर्फ अपने अंदर या फिर एक एरिया नेम को ही लेता है, वो किसी तरह की फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ लिखा हुआ है कि दिस फॉर्मूला मिसप्लेस डिफाइन इन द डिफाइन नेम। प्रॉब्लम आ गई क्या? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आदिल जी? वो ड्रॉप डाउन से लिंक करना पड़ेगा ना उसके लिए। ड्रॉप डाउन से तो लिंक नहीं हो रहा है, हमने आपको समझाया कि ये मंथ टेक्स्ट, अगर मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दूं बी टू, तो बी टू पे डली ही मंथ इस डेटा, मंथ नाम का डेटा से लिंक नहीं करेगा, उसको लिंक कराने के इनडायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेगा, जो कि मंथ नाम को टेक्स्ट से मंथ नाम के रेफरेंस से, जैसे कि हमने आपको समझाया था कि इक्वल ए वन एक रेफरेंस है, लेकिन इसी को अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में डाल देंगे तो ये रेफरेंस रहेगा नहीं रहेगा? ए वन एक टेक्स्ट हो गया ना, तो यही इन्वर्टेड कॉमा हटाने का काम करता है हमारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि अब मैं इसके अंदर इनडायरेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं यहां पे लिख देता डायरेक्ट और यहां बी टू कर देता तो फिर काम बन जाता, बट आपका पिक्चर लिंक साफ मना करता है, और सिर्फ साफ बोलता है कि हमें किसी तरह के फॉर्मूला नहीं चाहिए।
भाई देना है तो नाम, एक रेफरेंस के एरिया दो, नहीं तो उस रेफरेंस का नाम दो, दूसरा नाम कोई मैं नहीं लूंगा, समझे? क्लियर हो गया? सॉल्यूशन ओके हाँ ढूंढना है, एनी आइडिया? कल वाली क्लास में प्रैक्टिस नहीं की ना? निकिता जी आपने की है प्रैक्टिस? किया था सर। हाँ आपने प्रैक्टिस की है यस सर, किया था। तो क्या करें आप बताइए, मैं यहाँ पे अटक गया हूँ आके। आप प्रैक्टिस किए रहते हैं तो भी यहाँ पे बोल देते हैं, फटाक से बोल देते। अरे जी इट्स थर्ड डे है सर, क्लासेस की प्रैक्टिस कीजिए वरना आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। कल मैंने आपको बताया कि हम फॉर्मूले, क्योंकि हमारा डिफाइंड नेम तो फॉर्मूला लेता है ना, तो हम क्यों ना एक नाम का फॉर्मूला या कोई कुछ कुछ ना किसी एक नाम का मैं यहाँ पे नेम मैनेजर बनाऊं, और जो फॉर्मूला हम देना चाहते हैं वो फॉर्मूला हम नेम मैनेजर में दे दें क्या? अब नेम मैनेजर इनडायरेक्ट, हाँ नेम मैनेजर क्या करेगा कि इस इनडायरेक्ट की मदद से इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एक बिचौलिया की। अब मैं यहां पे मंथ के जगह पे शो कर देता हूं, हो गया। अब ये जो यहां पे देखिए, अब मेरा शो जो है लिंक है किससे, B2 से, तो B2 पे जो भी हम सिलेक्ट करेंगे शो जो है इन दोनों में से किसी एक को पकड़ेगा, और पकड़ेगा किसको देगा, पिक्चर लिंक को। आप बताइए समझ में आया या नहीं आया आपको एग्जाम्पल? फिर से दोबारा से एक बार कर दीजिए बता दीजिएगा कंसेप्ट ठीक है, ध्यान से। जगन्नाथ जी आपको समझ में आया? बेसिकली क्या प्रॉब्लम, क्या समझिए, मेरे पास दो एरिया रेंज है जिसमें हमारे पास डेटा भी है हमारे पास चार्ट भी है, तो यहाँ पे और भी तरीके हैं फॉर्मूला वगैरह डेटा लाने का, लेकिन मैं फॉर्मूला वगैरह उतना नहीं करना चाहता, मैं सिंपल इसको पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया। पिक्चर में कन्वर्ट करने का कारण यह है कि मैं इसको बड़ा या इसको छोटा इजिली कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको सेम ऐसा यहाँ बनाऊंगा समरी पे तो दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कई सारे, अभी फिलहाल दो है, ऐसे और भी हो सकते हैं, कई सारे हैं, और मेरे समरी पे यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर दिया तो हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये यहाँ ये जो किसके आइए नेम बाय जाया है तो ये अपने आप को चेंज करते रहे एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो अपना चेंज हो जाए। तो यहाँ पे चेंज हम कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पे 42 से लेकर तो इस तरह से इसकी एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा एड्रेस है, चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कंफ्यूजन हो रही है। और में भी मेरे यहाँ पे क्या है उसके नेम डले हुए हैं, तो इसी नाम से मैंने इन दोनों एरिया को सिलेक्ट करके मैंने डिफाइन नेम में गया और नेम डिफाइन कर दिया, दो नाम हमने बना दिए, समझ गए? यहां तक समझ में आ गया? जल्दी समझ में आ गया यहां तक? मतलब कि दो नाम बन गए हैं, तो मैं पिक्चर पे यहाँ पे रेफरेंस की जगह पे वो दो नाम, इसके नेम से नाम बना है या मंथ से नाम बना है वो डालूंगा तो मेरा पिक्चर चेंज हो रहा है। बट प्रॉब्लम है कि मुझे इसको इससे लिंक करना है,
लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ये टेक्स्ट ये कभी भी फॉर्मूला को रिकॉग्नाइज नहीं करे। तो हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। आप इनडायरेक्ट फॉर्मूले को एवलेट करेंगे तो पता चलेगा कि इनडायरेक्ट कर क्या रहा है। इनडायरेक्ट को मिल रहा है इन्वर्टेड कॉमा में, क्या मिल रहा है मंथ। इनडायरेक्ट क्या कर रहा है कि इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इसके रेफरेंस को कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, जो कि अभी मैनुअल चेंज किया था तो सेम काम करता है। बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्मूला आने लग सकता है। खाया तो मैं पूरी की पूरी रेफरेंस जो कि C2A1 से G6 था, इस तरह का रेफरेंस हम दे सकते हैं या फिर डिफाइन की हुई नेम को दे सकते हैं। यहाँ पे डिफाइन नेम कहता है कि मैं किसी भी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। तो हमने एक नया एक थर्ड जो है बनाया, इसमें किसी तरह का रेफरेंस नहीं रखा, मैंने इसमें फॉर्मूला रखा। तो हमने फॉर्मूला क्या रखा, इनडायरेक्ट फॉर्मूला। इनडायरेक्ट तो B2 के ऊपर जो मंथ है उसके नाम से वो रेफरेंस बना के आप उस रेफरेंस पे ले आ रहा है। ओके, फिर मैं यहाँ पे वो तीसरा जो हमने बनाया था शो दे दिया। मतलब हुआ क्या कि ये शो कनेक्ट है किससे, मंथ से, और मंथ कनेक्ट है आपके स्टेटस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर नेम सिलेक्ट किया, नेम सिलेक्ट करते ही आपका शो जो है अपना एड्रेस को चेंज करके नेम पे ले गया, और जब वो पे ले गया तो आपका जो पिक्चर लिंक है उसको तो फिर वो शो के अकॉर्डिंग चल रहा है। शो जहां उसको ले जाएगा उसका डेटा शो करेगा। तो शो नाम का जो नेम मैनेजर से डिफाइन नेम है उसको नेम पे ले गया तो नेम शो कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे मंथ करूंगा तो अगेन शो चेंज होगा और उसको मंथ वाला डेटा पे ले जाएगा तो मंथ वाला डेटा शो कर देगा। ओके, तो ये फाइल सेव कर देता हूं, ले इसकी प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। आदिल जी आपने कल की क्लास की प्रैक्टिस नहीं की है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस किया है। वो पिक्चर वाले मैंने किया है, वो एक्चुअली पिक्चर वाले में तो समझ में नहीं आया, जहां पिक्चर जहां से लेते हैं ना एडमिशन नंबर के। हां तो इसमें भी आपका, इसमें भी आपका वीडियो देखा था आपने? मैंने वीडियो देखा नहीं। ओके, तो जैसा मैंने किया है वैसा करने की कोशिश किया आपने, सेम टू सेम? हां, वो थोड़ा ये इनडायरेक्ट फॉर्मूले पे थोड़ा अटक गया था, इनडायरेक्ट थोड़ी शो वाला, तो इसीलिए नहीं हो पाया। आपको समझ में आ गया ना? आज ट्राई करेंगे। इस एग्जांपल और उस एग्जांपल में इतना यही है कि यहाँ पे हमारे पास डिफाइन किया हुआ नेम है, एक एक करके डिफाइन किया कर रहा है, लेकिन वहां हमने मैथ के जरिए ऑटोमेट कर दिया है। जो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, मैं दोनों को कंपेयर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। लूप प्रोजेक्ट का नाम सेव कर दिया, आपका पिक्चर राइट। तो इसमें क्या कि हमारा जो यहाँ पे जैसे वन हम यहाँ पे टू डालते हैं तो नेम आ जाता है। तो हमारे पास जो पिक्चर्स में बहुत सारे पिक्चर्स हैं, तो हर पिक्चर का नाम हम डिफाइन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि अब 1500 स्टूडेंट होंगे तो 1500 नेम डिफाइन नहीं हो सकता ना सर। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस को ऑटोमेट कर दिया था। हमने क्या किया था कि हमने मैच का फॉर्मूला लगाया था और इसका रोल नंबर लेके रोल नंबर के साथ ऐड करके इसको ऑटोमेट कर दिया था और इसको हमने नेम मैनेजर में डाल दिया था। तो जैसे नंबर चेंज होगा मैच हमारा रिजल्ट चेंज कर देगा, तो एक एड्रेस बन जाएगा, समझे? क्योंकि यहाँ तो मैच हमने यहाँ पे एक यूनिक आईडी है इसलिए। लेकिन हमारे इस वाले एग्जाम्पल पे कोई यूनिक आईडी नहीं है और नहीं मेरा ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट है, ये छोटा छोटा मान लो 5, 2, 4, 5, 10 हो सकता है। तीसरे हमने सबको इंडिविजुअली नेम डिफाइन किया और यहाँ पे हमारा जो हमने इंडिविजुअली जो नेम डिफाइन किया हमने मंथ और नेम वगैरह वो काम मुझे यहाँ पे मैच कर दे रहा है। ओके, देखिए इसमें जितना हो सके समझ सकते समझ लीजिए। आगे की क्लासेस में जब मैं आपको फॉर्मूला कराऊंगा
इनडायरेक्ट फॉर्मूला की एक अलग से क्लास दूंगा, तो वहां पे आपको जो है और ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल दो एग्जांपल देने का पर्पस यही है कि आप समझ ले कि पेस्ट एज ए पिक्चर कोई नॉर्मल सा चीज नहीं है, पेस्ट एज ए पिक्चर का एक यूज है, समझे। और ये आपका मैं नाम डिफाइन कर देता हूं, ये है आपका जी, आपकी ईमेल आईडी क्या है? हेलो, हाँ हेलो, हाँ सर, आपकी ईमेल आईडी क्या है? जगन्नाथ दे 05। वो तो हो गया, यही आदिल सर, मैं आदिल से बात कर रहा था। आदिल जी, हाँ आदिल अहमद, एडी एडीएल एडीएल, शुरू में आई थी ना ये वाला ऊपर वाला। मैं फाइल आपको कल वाली फाइल ही भेज दी थी, आज की फाइल भेज दे रहा हूँ और आज की भी वीडियो आपको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस कर ले, फिर कल वापस आगे के टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे होम मेनू बार में, क्योंकि मेनू बार का अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अभी हमने एक कैटेगरी को खत्म किया, वो है हमारा। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, जल्दी आ गए आप। हाँ सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। हाँ सर, मेरा भी नाम डाल दीजिएगा मेल में। सर बिल थोड़ा नहीं, बहुत लेट आपने ज्वाइन कर लिया, क्लास तो खत्म हो रही है। आप वो कल वाली नेम मैनेज वाला क्लास समझ सर, मैं वो फाइल देख लूंगा सर, कोई क्वेश्चन होगा मैं आप सर कॉल करूंगा। ठीक, हाँ सर, नेम मैनेज समझ में आया था सर। चलिए, तो मैं फाइल को आपको फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद जो है हम आपको अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। हमने एक कैटेगरी जो है क्लिपबोर्ड को खत्म किया, फिर छोटी छोटी चीजें फॉर्मेटिंग की कुछ ट्रिक्स वगैरह है उसको खत्म कर दिया। कस्टम फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग दो एडवांस टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो में आपको थोड़ी देर में आपको भेज देता हूं। ओके जी।